अनुषा के साथ ब्रेकअप पर करण ने तोड़ी चुप्पी। अपने ऊपर लगे आरोपों पर कही बड़ी बात, बताया किस वजह से थे अब तक चुप। अनुषा के मूव ऑन पर कही ये बात। वला आखिर क्या कुछ शेयर किया करण ने, आइए जानते हैं। एक्टर करण कुंद्रा पिछले एक साल से अनुषा डांडेकर के साथ अपने ब्रेकअप को लेकर चर्चा बटोर रहे हैं। हाल ही में अनुषा ने इंस्टाग्राम चैट सेशन में ब्रेकअप की बात की और खुलासा किया था कि करण कुंद्रा ने उन्हें धोखा दिया है और माफी भी नहीं मांगी। अब इस मुद्दे पर करण ने रिएक्ट किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में करण ने कहा, मैं अब तक सिर्फ हमारे रिश्ते की इज्जत के खातिर चुप रहा और अभी भी चुप ही रहना चाहूंगा। इस वक्त मैं हम दोनों के परिवारों के बारे में सोच रहा हूँ, नहीं तो मैं भी भड़क कर बहुत सारी चीजें बोल सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। इस इंटरव्यू में करण ने आगे बताया कि वो फिलहाल सिंगल हैं। उनकी फैमिली से लेकर उनके दोस्तों तक सभी ने उन्हें मूव ऑन करवाने की कोशिश की, पर फिलहाल वो किसी रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहते हैं। वो अनुषा डांडेकर के आरोपों से दुखी हैं। अनुषा ने करण पर धोखा देने का आरोप लगाया था। इस पर करण ने कहा, अगर मैं उसके लिए मायने रखता तो वो ऐसा नहीं करती। गुस्सा भी प्यार का ही एक एक्सप्रेशन है। जब मैं देखता हूँ कि मेरी छवि खराब हो रही है और लगा कि अपने साइड की स्टोरी भी बताना चाहिए, तो लगा कि गुस्से में भी कहीं ना कहीं प्यार ही होगा। उम्मीद करता हूँ कि एक दिन जब ये सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा और हम किसी को दुख नहीं पहुँचाएंगे, तब इस बारे में बात करेंगे। मैंने अब तक कुछ नहीं कहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ा है। अनुषा भले ही लाइफ में आगे बढ़ गई हो, पर मैं नहीं बढ़ा हूँ। फिलहाल करण कुंद्रा अपने करियर और काम पर ही फोकस करना चाहते हैं। वो अभी टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नजर आ रही हैं। शो में सीरत के एक्स बॉयफ्रेंड के रोल में उन्हें दर्शक काफी पसंद कर रही हैं। क्या कहना है आपका इस पूरी खबर पर, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। एंड ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू टेली मसाला ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।